बात से तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि हमारे देश में पहले बहुत से आविष्कार हुए जो कि अब भी लुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये बात सच है कि तब का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत ही आगे और उन्नत था। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जिसे देखकर वैज्ञानिक तक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बनाना तो आज के इस विकसित विज्ञान से भी परे है। ये मंदिर स्थित है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में और इसे कहते हैं कैलाश मंदिर। इस मंदिर ने वैज्ञानिकों को इस कदर हैरान करके रखा है कि इस मंदिर पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इसे 1900 साल पुराना मानते हैं तो कुछ इसे 6000 साल से भी पुराना। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को ईंटों और पत्थरों से जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही पत्थर को तोड़कर बनाया गया है। इसीलिए इसे कब बनाया गया इसका जवाब देना तो वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव है, क्योंकि इसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिससे कि हम पता लगा सकें कि इसका निर्माण कब हुआ। और इस मंदिर को जिस पत्थर की खुदाई से बनाया गया उसके कार्बन डेटिंग तो इस मंदिर से भी कई ज्यादा पुरानी होगी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल तक का वक्त लगा होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 फुट ऊंचे मंदिर को आज की तकनीकी में भी 18 साल में बनाना नामुमकिन है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया है जैसे कि खुदाई की जाती है। अगर इस मंदिर को खुदाई से भी बनाया गया होगा तो कम से कम 5,00,000 टन पत्थर इस खुदाई के दौरान निकले होंगे। अगर एक आदमी हर रोज 12 घंटे काम करके भी इसे बनाने की कोशिश करता तो उसे रोज 150 टन पत्थर हटाने पड़ते, जो कि पूरे तरीके से असंभव ही रखता है। अगर इस मंदिर को हम आज की तकनीक से बनाए तो भी इसे 18 सालों में नहीं बना सकते, क्योंकि इस मंदिर को सिर्फ खुदाई करके ही नहीं बल्कि हल्के औजारों से बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इसे 200 साल से भी कम समय में बनाना उस समय के हिसाब से असंभव था। हमारे वेदों में एक ऐसे ही अस्त्र के बारे में बताया गया है जिसके इस्तेमाल से इसे बनाया जा सकता है। इस अस्त्र का नाम था बॉम अस्त्र, और इस अस्त्र के इस्तेमाल से पत्थर तक को भौ के रूप में बनाया जा सकता था, और हो सकता है कि उसी के इस्तेमाल से इस मंदिर को बनाया गया हो। इस मंदिर में एक रहस्य और छुपा हुआ है, और वो है इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाएं। दरअसल 1876 में इंग्लैंड के एक श्रद्धालु ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस मंदिर से जुड़े अपने अनुभव बताए थे, जो कि उस मंदिर से नीचे जाती गुफाओं से संबंधित हैं, और एक ऐसे ब्रिटिश शख्स से भी मिले जो इन गुफाओं के नीचे तक जा चुका था। और जब वो इन गुफाओं के सकरे रास्ते से नीचे गया तो वहाँ पर एक खुला मंदिर पाया, और वहाँ पर उसने 7 लोगों से मुलाकात की, पर उन 7 लोगों में से एक बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कभी होता और कभी गायब हो जाता था। इस किताब के छपने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इस गुफाओं के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाए, और उसके बाद सरकार ने इन्हें बंद कर दिया और इन गुफाओं को आज तक बंद ही रखा गया है। तो आखिर क्या है इन गुफाओं में जिसे सरकार जनता को बताना नहीं चाहती? हमें कैलाश मंदिर से इस बात का तो साफ सबूत मिलता है कि हमारा प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत ही उन्नत था। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।